क्या कुछ जानकारी, क्योंकि 4 साल हो गए काम कर रहे थे, सेफ्टी नॉर्म्स का कंपनी ध्यान रखती थी कि नहीं रखती थी? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों से मुझे पता चला कि हेलमेट की बात कर रहे लेकिन हेलमेट नहीं है। मैं भी वही चीज यहाँ बार आने के बाद पूछा कि हेलमेट वेलमेट लगाया था क्या करके, तो हेलमेट यहाँ पर नहीं चलता ऐसा बोलते हैं लोग। प्रॉपर क्या काम चल रहा था ऊपर? चक्का रिपेयरिंग, मतलब रिपेयरिंग कर रहा था क्रेन का, जो चक्का है उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था। फिर वहाँ पर जुगाड़ बनाए थे जी, वो स्लिप हो गया। अच्छा, स्लिप होके फिर चक्का ऊपर ही गिर गया, फिर अनबैलेंस होकर चक्का बाहर गिर गया। सेफ्टी नॉर्म्स का कितना ध्यान रखा जाता है कंपनी? सेफ्टी में यहाँ कुछ ही नहीं है, एक हेलमेट भी नहीं है ना, कुछ नहीं है। हेलमेट आप लोग को नहीं दिया जाता? नहीं है, हेलमेट नहीं है। और ये घटना होने के बाद बैरिकेड को लगाए हैं, अभी लगाए हैं। तो नीचे किसी प्रकार की सिक्योरिटी लगाई गई थी, बैरिकेड हो गया या फिर कोई आदमी खड़ा हो कि यहाँ पर आना जाना नहीं है या मना है? नहीं लगाई गई थी। कंपनी में हेलमेट मिलते हैं सबको? सबको मिलता है लेकिन लगाता कोई नहीं। लगाता कोई नहीं है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? वो कंपनी वाले का सर। इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंडस्ट्री मौजूद है, भिलाई आयरन। वहाँ पर 11 बजे के आसपास एक घटना होती है जिसमें रविंद्र वर्मा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। 38 वर्षीय युवक ऊपर काम, मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, तभी अचानक से चक्का गिरता है और नीचे से गुजर रहे रविंद्र के ऊपर गिर जाता है। रविंद्र वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जा रहा होता है तभी ये सारी घटना होती है। हमारे साथ परिवार वाले मौजूद हैं जो उस वक्त उस साइट पर मौजूद थे, काम चल रहा था, वो मौजूद हैं। मगर शर्म की बात यह है कि कंपनी की ओर से अभी तक कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। इस वक्त जब मैं ये खबर बना रहा हूँ तब 2 बजे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, यानी 3 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं इस घटना को हुए, मगर कंपनी से कोई जिम्मेदारी लेने वाला, कोई जवाबदारी देने वाला एक शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है। परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? तिलक राम वर्मा। क्या जानकारी मिली थी आपको, कैसे पता चला? मैं सर एक्चुअल में मैं मतलब मार्केट में था, किसी अनजान मतलब उसे फ़ोन आया था, मिसेज के मोबाइल में आया था वो भी, कि ऐसे आपके भाई का कुछ दुर्घटना हो गया ऐसे करके। तो मैं तुरंत ना घर में आया तो मिसेज का मोबाइल घर में था, तो उसी नंबर में लगाया तो एक बनछोर जी हैं, रेखराम बनछोर जामुल वाले, तो वो उठाए थे कि बोल रहा है कि ऐसे ऐसे मतलब हो गया है, दुर्घटना हो गया ऐसे करके, मतलब स्पॉट डेथ हो गया ऐसे करके बताया वो। तो फिर मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद कंपनी के किसी जिम्मेदार से बातचीत हुआ होगी, क्या बताया? यहाँ पर ऐसे कोई बात करने वाला तो है नहीं है ना, अभी तो जिम्मेदार व्यक्ति जो है कोई नहीं है, कोई तो है नहीं बात करने वाला भी। कब से काम कर रहे थे यहाँ पे? ये मेरे हिसाब से 4 साल से काम कर रहे थे। 4 साल से ज्यादा? तो क्या कुछ जानकारी, क्योंकि 4 साल हो गए काम कर रहे थे, सेफ्टी नॉर्म्स का कंपनी ध्यान रखती थी कि नहीं रखती थी? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों से मुझे पता चला कि हेलमेट की बात कर रहे लेकिन हेलमेट नहीं है। मैं भी वही चीज यहाँ बार आने के बाद पूछा कि हेलमेट वेलमेट लगाया था क्या करके, तो हेलमेट यहाँ पर नहीं चलता ऐसा बोलते हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पर रेलवे का काम चलता है, इतनी बड़ी कंपनी में अगर कोई मेंटेनेंस का कार्य होता है तो नियमानुसार आसपास के एरिया को घेराबंदी कर काम करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर भी काम होता है ना, मैं भी प्लान में काम करता हूँ, उस एरिया को ना ऐसे कवर करते हैं, ऐसे बैरिकेड लगा करके ना उस एरिया को बैरिकेड करते हैं ताकि कोई आ जाए मत, ऐसे करके रहता है। लेकिन यहाँ पर शायद उस टाइप का नहीं हुआ है। और जी आप ही क्या साइट में काम चल रहा था जी, कब से आपके साथ काम कर रहे हैं वो, आप कब से? मेरे साथ में 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए आपके साइट में जी, आए जी, हुए। जी। व्यवहार की बात करें तो कैसे थे काम करने में और सारी चीजें? बहुत सीधा साधा था लड़का, यहाँ तक सो रे एक शब्द बिल्कुल किसी ने बोला है, जैसे काम पड़ता था कि अपना सामान ला के मेरे को देता था, मैं खुद जाके फिटिंग वुटिंग करता था। मेरे साथ में हमेशा था टेकर वेल्डर में काम करता। आज जो घटना है उसको कैसे देख रहे हैं आप, किसकी गलती मानते हैं, क्या कुछ हुआ होगा? अब सर इसमें तो मैं वही बोल सकता हूँ कि जो मेंटेनेंस वाला काम है ना, उसको नीचे आदमी रखना चाहिए, नीचे एक आदमी होना चाहिए जो रोके आने जाने वालों। और ये शायद बाथरूम से अपना वापसी हो रहा था तभी ये चक्कर गिरा बोला, और मैं भी 10 बजे के बाद अपना कुछ काम से घर चला गया था, मेरे को फ़ोन किया तो मैं तुरंत आया हूँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ चीज़ें होती है यहाँ पर कंपनी में, क्योंकि आप लोग काम करते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स का कितना ध्यान रखा जाता है कंपनी? सेफ्टी में यहाँ कुछ ही नहीं है, एक हेलमेट भी नहीं है ना, कुछ नहीं है। हेलमेट आप लोग को नहीं दिया जाता? नहीं है, हेलमेट नहीं है। और ये घटना होने के बाद बैरिकेड को लगाए हैं, अभी लगाए हैं। कंपनी से नायर साहब एक मौजूद हैं जो सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मेंटेनेंस का काम आप ही लोग कर रहे थे यहाँ पे, क्या कुछ हुआ था उस समय घटना, क्या कुछ आप लोगों ने देखा है? अब सर हम लोग काम कर रहे थे ऊपर में, और अपने काम करते करते अपने जो जुगाड़ बनाए थे है ना, वो स्लिप हो गया, चक्का फिर गया। प्रॉपर क्या काम चल रहा था ऊपर? चक्का रिपेयरिंग, मतलब रिपेयरिंग कर रहा था क्रेन का, जो चक्का है उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था। फिर वहाँ पर जुगाड़ बनाए थे जी, वो स्लिप हो गया। अच्छा, स्लिप होके फिर चक्का ऊपर ही गिर गया, फिर अनबैलेंस होकर चक्का बाहर गिर गया।
कंपनी में यहाँ जब मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो नीचे किसी प्रकार की सिक्योरिटी लगाई गई थी, बैरिगेट हो गया या फिर कोई आदमी खड़ा हो कि यहाँ पर आना जाना नहीं है या मना है? नहीं लगाई गई थी। कंपनी में हेलमेट मिलते हैं सबको? सबको मिलता है लेकिन लगाता कोई नहीं। लगाता कोई नहीं है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? कंपनी वाले का सर। कंपनी वाले की होगी, ठीक है। कंपनी वालों की जवाबदारी है क्योंकि इतना बड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आपको बता दें कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे लगभग 30 फीट के आसपास की ये ऊंचाई है और उतने 30 फीट की ऊंचाई से एक भारी भरकम लोहे का चक्का नीचे गिरता है और जिस प्रकार से चोटें आती है सर में चक्का गिरने से पूरा का पूरा सर जो है वो फट जाता है और पूरा भेजा निकल कर बाहर आ जाता है। इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना इस कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जहाँ ट्रेन के इंजन का काम होता है, भारतीय रेल के इंजन का काम होता है, और इतनी बड़ी कंपनी मगर सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर कुछ नहीं। लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ठेका मजदूरों को कीड़े मकोड़ों के समान ट्रीट करती है। ना ही किसी प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान दिया जाता है, ना ही हेलमेट का ध्यान दिया जाता है, ना ही जूतों का ध्यान दिया जाता है, ना ही किसी अन्य सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान दिया जाता है। अब इनकी निगरानी कौन रखेगा, इनकी जो है परीक्षण कौन करेगा कि कौन सी कंपनियां कितने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हुए चल रही है? जब कुछ हादसा होता है उसके बाद खबर निकलकर सामने आती है कि कंपनी में फलाना चीज़ें हो गई है और कंपनी की गलती है या वर्कर की गलती है या जो भी चीज़ें गलती है वो बाद में निकल कर सामने आती है और उसके बाद कंपनी सुधार करता है। मतलब किसी की जान जाने से ही सुधार होगा और सुधार होगा कि भी नहीं होगा ये भी देखने वाली बात है। कंपनी से जिम्मेदार व्यक्ति हैं नायर जी, आप यहाँ क्या करते हैं, किस पोस्ट पर हैं आप? मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, देखता हूँ। इंचार्ज हैं। क्या कुछ घटना की जानकारी आपको कैसे लगी और क्या पता चला है कैसे हुई घटना? घटना जैसे कि लोग बताए, मैं ऑफिस में आया था तो बोले ऊपर से चक्का गिर गया, एक लड़का जा रहा था तो उसके ऊपर गिर गया। अच्छा, हाँ। तो इस कंपनी में सेफ्टी नॉर्म्स का कितना ध्यान दिया जाता है? पूरा ध्यान दिया जाता है सर। क्या क्या है सेफ्टी नॉर्म्स के नाम? मैं बोला ना, हेलमेट है, सेफ्टी शू है। हेलमेट है, सेफ्टी शू है, और बस ये दो चीजें हैं। ग्लव्स? ग्लव्स भी है, ग्लव्स तो सबको है, ग्लव्स सबको जी। हेलमेट कितने लोग पहनते हैं? अब ज़्यादातर लोग, सबको दिया गया तो सबको ही, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पहनते हैं गर्मी वर्मी की वजह से। अच्छा, और जो कंपनी है वो बिना हेलमेट पहने भी काम करना अलाउ कर देती है? नहीं करती है, बोलते हैं फिर भी वर्कर हैं उतार ही देते हैं। निकाल दीजिए ऐसे वर्करों को जो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि कल को कोई घटना हुई तो कंपनी की जवाबदारी हो जाती है। और अगर वर्करों की गलती है तो ऐसे वर्करों को रखे क्या मतलब, क्योंकि आज एक मृत्यु हुई है उसकी जिम्मेदारी तो पूरी कंपनी की आ रही है जी। उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने क्या, उनका क्या? बस वो पहुंच ही रहे हैं। पहुंच रहे हैं जी, 3 घंटे हो गए और अभी भी पहुंच रहे हैं। पहुंच ही रहे हैं सर वो लोग। ठीक है, तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, मगर यहाँ के वर्करों का कहना है कि ना ही हेलमेट है और ना ही कुछ अदर चीज़ें, सिर्फ सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर जूते दे दिए जाते हैं। अब क्या किस बात पे कितनी सच्चाई है, पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, परिवार क्या चाह रहा है, क्योंकि कंपनी से कोई आया नहीं है कि मुआवजे की बात हो सके, मुआवजे की मांग की जा सके। उनके परिवार से उनके भाई लोग मौजूद हैं। सर, कंपनी से अभी तक कोई शख्स आया नहीं है, मुआवजे की बात हो रही है, क्या कुछ आप लोग डिमांड रख रहे हैं, क्या कुछ आप लोग चाहते हैं, क्या कुछ? हाँ, डिमांड हम लोग करके रखे हैं अभी, जैसे इसके बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए हमको। और बच्चे कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं। क्या उम्र होगी बच्चे? उम्र है अभी, बड़ा बेटा अभी 11वीं पढ़ेगा और छोटा वाला 6th क्लास में है। 6th का, ठीक। और उसका जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चा, पत्नी है अब तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी बच्चे का स्वास्थ्य का खर्चा है वो उठाएगा कंपनी, परिवार का स्वास्थ्य संबंधी खर्चा। हाँ, और है 50-50 लाख रुपया दोनों बच्चे के नाम से FD करना है, और 20,000 रुपये ना पत्नी को हर महीना खर्च गुजारा करने के लिए, गुजार भत्ता, और अभी के कार्यक्रम के लिए हम लोग 2 लाख का डिमांड किया है जी। तो ये सारी डिमांड परिवार वालों की है। हाँ, कुछ जानकारी मिली थी इनका PF या जो भी नॉर्म से वो सब कुछ कटता था कि नहीं कटता था इसके बारे में? कंपनी में आप लोग किसी का PF कटता है? नहीं कटता सर, किसी का नहीं कटता PF, ESI कुछ नहीं कटता। अच्छा, 6 साल हो गया काम। और वीकली ऑफ का क्या सीन है, मतलब 7 दिन काम रहता है या 6 दिन काम है 1 दिन छुट्टी? यहाँ मन मर्जी से चलता है सर काम, जी आपके ऊपर है तो हमेशा आ जाओ, नहीं है तो चलो छुट्टी कर लो। तो मन मर्जी से चल रही है कंपनी भिलाई आयरन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि परिवार क्या चाह रहा है, कंपनी वालों का क्या कहना है। 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए, अभी तक कंपनी से कोई जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं हुआ है, और वही अगर कंपनी के नुकसान की बात होती तो पूरा तमाम बोर्ड यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।